डेमोक्रेटिक कंट्री के मतलब ही हो गया हिंदू मुसलमान सब एक जैसा है। तो हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग का भाजपा से दुश्मनी है, दुश्मनी किसी से नहीं है। ऐसा तो कभी हम लोग देखा भी नहीं था कि लॉकडाउन हुआ है। सर चाय बेचे कर लेते थे, आई मुश्किल है। प्रधानमंत्री जी भी चाय बेच, हाँ वो तो बेचते थे, वो तो ट्रेन भी बेच दी। बंगाल में होगा सियासी घमासान, सत्ता के लिए लड़ेंगे भाजपा, टीएमसी और वाम। कौन चलेगा स्वरूप का इक्का, किसके पाले में जाएगी आवाम, क्या ममता सरकार को मिलेगा समर्थन, या बंगाल में हो गए सत्ता परिवर्तन, किसका होगा बंगाल, देखिए हमारे साथ अमार सोनार बंगाल। बहुजन टीवी देख रहे हैं और मैं आपके साथ प्राची हूं। आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम अमार सोनार बंगाल में। और आज इस एपिसोड में हम आपको लेकर के आए हैं इंटाली विधानसभा क्षेत्र में, मोती झील के पास का इलाका है ये, और यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी पसंद कौन है, उनकी राजनीतिक पसंद कौन है, ममता सरकार से वो खुश हैं या फिर सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ का चुनावी माहौल कैसा है। दादाजी कहीं जा रहे थे, हमने रोक लिया बीच में। नाम क्या है आपका? मोहम्मद इसराइल। यहाँ ये बताइए कि ममता दीदी का ही जो है वो खेला होगा या कोई और आ सकता है, विकल्प है कोई? नहीं, उसका सिवा कोई नहीं है, कोई विकल्प नहीं। मैं जानना चाहती हूँ कि ममता दीदी से इतना प्यार क्यों है। मैं नंदीग्राम भी गई थी, वहाँ भी हमने देखा, यहाँ भी आ रहे हैं, सबके मुँह पे ममता दीदी का नाम। बात है ऐसा कोई ऐसा कोई ऐसा घर भेद भात नहीं है, अपना खटो खा बस, और कोई झूठ झमेला नहीं। कोई गांव में क्या क्या मिला आपको जो पहले नहीं मिलता था और ममता सरकार में मिला? गांव में मैंने ऐसी सब ध्यान अपना रखा है, मीडियम गरीब है अपना, इधर उधर अपना गरीबी को भी सुजाग मिल रही है, उस बात खा रहे खा रहे बस। तुम क्या कह रही थी बेटा? अरे बोल दो, सही बोल रही थी, बोलो। नहीं बोलोगी? और यहाँ आप देख सकते हैं एक चाय समोसे की दुकान है, और इन लोगों से हम बात करेंगे कि अभी मौजूदा सरकार से यहाँ के लोग खुश हैं या फिर सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल खुश है यहाँ की। जो दीदी ने काम किए हैं 10 बरस में, यहाँ पे पानी कितना दिक्कत थी, बिजली आती थी नहीं आती थी, चले जाती थी, चार चार दिन लापता, अभी वो सब तो कुछ है ही नहीं। अच्छा। हम लोगों के लिए इतना काम किए हैं दीदी कि दीदी के सिवा तो कोई और जबान पे नाम आ ही नहीं सकता है। हाँ, क्योंकि दीदी जो काम की है ना, बिल्कुल मुबारकबादी के लायक है वो। मतलब दीदी के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल एकदम दीदी चाहिए बस। अच्छा, ये भी है कि 10 साल हो चुके हैं ममता सरकार को, अब कोई परिवर्तन, क्योंकि आमतौर पर 10 साल बाद जो राज्य सरकारें होती हैं वो आमतौर पर बदल जाती हैं, तो अभी बीजेपी है और कांग्रेस और वाम दल है, तो उन दोनों का विकल्प आपको नहीं सही लगता? नहीं नहीं, मेरे दीदी बस बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, फिर उसके अलावा किस। अच्छा, उसके पहले दीदी के पहले वाम दल हुआ करते थे, लेफ्ट पार्टीज होती थी, उसका भी दौर सही नहीं लगा आपको? नहीं नहीं, उस वक्त तो ना लाइन का पता सही से रहता था, ना पानी का, बिजली का, तब फिर बहुत काफी दिक्कत थी। ऐसी बात नहीं, बहुत काफी सपोर्ट कर रहे थे। भाजपा की यहाँ रैली हुई थी तो कहा गया था कि रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, तो आपको नहीं लगता कि उसे एक बार मौका मिलना चाहिए? किनको? बीजेपी को? नहीं नहीं, वैसा हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलेगा यहाँ? नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए हम लोगों का जो भाईजी चारगी मगरबी बंगाल में चल रही है, उसी तरीका से चलता रहे, हम लोगों का ये कहने का मकसद कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग हिंदू मुस्लिम भी हिंदू को चाहते हैं, हिंदू भाई भी मुस्लिम को चाहते हैं। अब हम एक चाय की दुकान के पास आ पहुँचे हैं, चाय की टपरी कह लीजिए आप इसको, यहाँ पर भैया जी मौजूद है, उनसे जानेंगे। भैया जी, ममता सरकार या सत्ता परिवर्तन? ममता सरकार। ममता सरकार? हम लोग को काम पसंद है उसका। अच्छा, आप बताइए किसकी सरकार पसंद है, ममता सरकार पसंद है या किसी और को? ममता सरकार पसंद है, बहुत सा काम किया, करना शुरू किया है, सोशल काम बहुत करते हैं, रूपा शुरू किया, बहुत काम, जैसे कि पाड़ा में बहुत सा कोई गरीब का ही हो रहा तो पार्टी वाला है, ममता सरकार की तरफ से पैसा आता है तो बहुत सा लोकल काम करता है, बहुत सा बेवा भत्ता को पैसा देता है ममता सरकार,
मर जाता है उसका 2000 रुपया है, बेवा फंड का पैसा देता है ममता सरकार। बहुत यहाँ के लोगों को जो ममता सरकार की योजनाएं हैं वो बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, ममता सरकार भी पसंद है। बीजेपी आने से बहुत सा ऐसा फिरका फरसाद से झमेला हो जाएगा। गैस का दाम आज 1000 रुपया बढ़ गया आज बीजेपी सरकार आने से। इसके तेल का दाम बढ़ा है, पेट्रोल डीजल दाम बढ़ गया, बहुत सा दाम बढ़ा हुआ है। दंगा फसाद जात के नाम पर दंगा फसाद बीजेपी लगा दे रहा है। दीदी रहेगी, दीदी है, दीदी रहेगी। तो अब हम जरा दुकान के अंदर एंटर कर रहे हैं और चाय वाले भैया से पूछेंगे कि ममता दीदी क्यों। ममता दीदी ठीक, अच्छी, हम लोग के लिए अच्छी काम करती है। अच्छे काम बता दीजिए, गिना दीजिए। बहुत सारा काम है, क्या बताइए। सही चल रहा है आप लोग का? मेन तो रोजगार है, रोजगार रोजगार है। महंगाई ऐसा रोजगार नहीं है, महंगाई लग रहा है। रोजगार रहता तो महंगाई नहीं, यहाँ महंगाई नहीं है, बहुत महंगाई है। महंगाई है तो महंगाई किसने ली? अब तेल में दाम बढ़ गया है, गैस में दाम बढ़ गया है, इससे क्या होगा समझ। जो 500 रुपये हम लोग रोजगार चाय बेचे कर लेते थे, अभी मुश्किल है। प्रधानमंत्री जी भी चाय बेचते? हाँ वो तो बेचते थे, वो तो ट्रेन भी बेच दिए, आप पूरा दुनिया बेचेंगे। तो बंगाल में नहीं आने दीजिएगा? नहीं नहीं नहीं, एक मौका भी नहीं। कुछ नहीं, आपकी बार ममता सरकार, ममता सरकार। बीजेपी 2014 में आने वाली थी तो भी यही कहा गया था कि आपकी बार मोदी सरकार, लेकिन बंगाल में आपकी बार ममता सरकार। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भैया हैं जो कि गोले बेच रहे हैं, गोले बेच रहे हैं ना। क्या नाम है आपका? उपेंद्र चौधरी। बताइए कि यहाँ पे ममता दीदी पसंद है या फिर सत्ता परिवर्तन चाहिए? पसंद है, बहुत ही पसंद है, और बहुत अच्छा काम किए हैं। अच्छा, कोई ऐसी सुविधा बताइए जो आप लोगों को पहले नहीं मिलती थी ममता सरकार में? दीदी जब से आए हैं तो दीदी अच्छे ही हैं, लेकिन उसको कैंडिडेट लोग थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। दीदी पहले भी अच्छे थे और आज भी अच्छा है। हम सब बढ़िया चल रहा है, आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का आशीर्वाद है, दीदी का भी आशीर्वाद है, ये चल रहा है हम लोग का दाल रोटी। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि जब मोदी जी की रैली हुई थी यहाँ पर, बच्चे शांत रहो शांत रहो शांत रहो, हाँ ये बताइए जब यहाँ पे भाजपा की रैली हुई थी, भाजपा की जब रैली हुई थी तो कहा गया था कि रोजगार मिलेगा। एक मिनट, जब भाजपा की सरकार हो या किसी की सरकार हो, सरकार भाजपा का हो तो भाजपा से हम लोग को तो कोई मतलब नहीं, नहीं। हम लोग बंगाल वासी हैं, बंगाल में रहते हैं, बंगाल दीदी हम लोग का जो भी है काम बेसी तो देखभाल ही करता है। ऐसा तो हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है ऐसा तो कभी हम लोग देखा भी नहीं था कि लॉकडाउन हुआ है, समझ गए। ये आपके पिताजी भी नहीं देखे होंगे ना हम भी देखे होंगे, लेकिन बात है कि जो भी जितना दीदी सका उतना तो काम किए हैं। तो में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आज ज़्यादा करके मोती झील के बात बता रहे हैं कि यहाँ पर आप ही नहीं दिक्कत हुआ। मेरा नाम मोहम्मद चांद है। मोहम्मद चांद जी ये बताइए कि यहाँ पर लोग इतना ममता दीदी को क्यों पसंद करते हैं? ममता दीदी को चाहते हैं, ये बंगाल के रहने वाले ममता दीदी है, ममता दीदी को चाहते हैं सब। अच्छा ये बताइए कि अभी 10 साल हो चुके हैं ममता दीदी के, अब सत्ता परिवर्तन की इच्छा नहीं है? नहीं, ममता दीदी चाहिए, हाँ ममता दीदी चाहिए। अच्छा आप युवा हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब भाजपा की रैली हुई थी रोजगार की बात कही गई थी तो मन थोड़ा उधर की तरफ नहीं जाता है कि शायद भाजपा की सरकार आए तो? क्या रोजगार क्या बढ़ा, आए दिन तो रोजगार का, आए दिन तो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, आए दिन गैस का दाम बढ़ रहा है, आए दिन आपका यहाँ के तेल का दाम बढ़ रहा है, अनाज का दाम बढ़ रहा है, आलू का दाम बढ़ रहा है, प्याज का दाम बढ़ रहा है, क्या रोजगार क्या बढ़ेगा? जब रोजगार के लिए कुछ इंसान जो आदमी जाए, गरीब आदमी, ये आदमी इंसान रोजगार कर रहा है, जो कुर्सा भरा बिक्री करता है 5 रुपये, आज उसको 7 रुपये बिक्री करने पड़ा, ये क्यों? ये तो मतलब आपका यहाँ के पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, आए दिन बढ़ रहा है, गैस का दाम बढ़ रहा है, ये ममता जी गैस के लिए कितना आंदोलन की है? राय यही है कि यहाँ पे जो भी सरकार बने ममता ही का सरकार बने, क्योंकि बच्चे बूढ़े जवान सबको लेके चलते हैं ममता, आपस में भाईचारगी रखते हैं, हिंदू को भी लेके चलते हैं, मुस्लिम को भी लेके चलते हैं, और बच्चों लोग को पढ़ाई में भी इल्म देते हैं, हेल्प करते हैं पढ़ाई में भी, और अपना समझ के चलते हैं। सोशल
और लॉकडाउन में भी हम लोग को सबको बहुत सारों को बहुत सारा हेल्प किया है। जो घर में जैसे कि किसी के घर में 10 घर में खाना, जिस 10 घर में लोग रहते हैं उसके घर में खाना पहुंचवाया हमारे ऑफिसर लोग के हाथ से, और गरीब लोग को मदद करते हैं। कभी दुख सुख होता है वो लोग देखते हैं, पार्टी वाला लोग भी, ऐसा बात नहीं है, दुख सुख में देखते हैं। यही यार क्या यार, इंसान को क्या चाहिए कि आदमी को रोजगार अच्छा हो, खाना पीना अच्छा हो, भाईचारगी रहे, यार क्या चाहिए इंसान को। और भी युवा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी जमील खान मेरा नाम है। जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप युवा हैं, जब रैली हुई थी भाजपा की तो बहुत सारे वादे किए गए थे युवाओं से भी, तो आपको नहीं लगता है कि एक बार उसको मौका मिलना चाहिए? देखिए मसला ये है ना, मौका आप डेमोक्रेटिक कंट्री है, किसी को भी मौका दे सकते हैं, लेकिन वादे करना, वादा करना और निभाना, ये आसमान और ज़मीन में फ़र्क हो जाता है। आप वादा कर दिए ठीक है हम ये काम कर देंगे, आप वादा तो निभाने रहे। अब बीजेपी सरकार ये सिर्फ जुमलोबाजी सरकार है। अगर बीजेपी में कुछ चंद लीडर जो हैं अच्छे हैं, जैसे राहुल सिन्हा, ऐसे लीडर अगर आगे बढ़े तो हम लोग समर्थक करते हैं। जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री के मतलब ही हो गया हिंदू मुसलमान सब एक जैसा है, तो हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग का भाजपा से दुश्मनी है, दुश्मनी किसी से नहीं है, बल्कि उनका काम, वो सिर्फ क्या करते हैं, वादा कर देते हैं कि मैं ये काम कर दूंगा, वो काम कर दूंगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि आज 2014 से उनका काम, आप एक भी काम आप खुद भी जोड़वा सकते हैं। आप बताइए कोई भी काम ऐसा बीजेपी का जो अच्छा काम किया हुआ है? आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। अच्छा आप बताइए कि आज 2014 में आज हिंदू और मुसलमान में ऐसा नफरत है कि अगर आप कहीं भी जाएँ तो हिंदू मुसलमान से नफरत करता है, मुसलमान हिंदू से नफरत करता है। ये तफरका वाला माहौल करने में सबसे ज़्यादा अगर किसी का अहम किरदार है तो वो बीजेपी का है। ठीक है, यहाँ पे भी जब रैली हुई थी तो जय श्री राम के नारे लगे थे, तो उसका कुछ असर देखने को मिली? देखिए जय श्री राम ये कोई आप मसला यहाँ पे ये हो जा रहा है कि जय श्री राम मैं भी बोल सकता हूँ, जय श्री राम बोलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन किसी को इंडिकेट करके बोलना ये सबसे, अगर आपसे हम ज़बरदस्ती बुलाएंगे आप अल्लाह अकबर बोलिए, आप नहीं बोलिएगा, लेकिन अगर आपको हम प्यार से बोलेंगे बोलने के लिए, आप बोल दीजिएगा हमें प्यार से बोलिए, हम जय श्री राम बोल सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि हम मेरे ऊपर दबाव करके जय श्री राम बोला, ये तो मुझसे क्या, ये पूरे हिंदुस्तान में कोई भी मुसलमान बोलने वाला नहीं है भाई, लेकिन अगर मोहब्बत से बोलिए बोल देते हैं। मोहब्बत की बात है जो यहाँ के लोगों में साफ देखने को मिल रही है। एक और सवाल मेरा इसी से रिलेटेड है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कार्ड यहाँ पर नहीं चलेगा क्या? जी जी बिल्कुल, सबसे पहली बात है बंगाल में सिवाय ममता बनर्जी का कोई भी नहीं। अभी देख रहे नया नया पार्टी है आपका ओवैसी आए हुए हैं, हाँ। फिर एक और क्या नाम है उनका, सवाल आपका असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के ही था, आपको उनकी तरफ जो है वो बंगाल के मुसलमानों का रुझान नहीं चाहिए? देखिए सबसे पहला बात, हु इज ओवैसी, हम लोग नहीं जानते ओवैसी को, बल्कि ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग एक पर्सनली वोट है कि मैं ओवैसी को दे दूंगा, हम लोग कोई ओवैसी नहीं, बल्कि यहाँ पर कोई भी आए अगर अच्छे से आते हैं, डेवलपमेंट का बात करते हैं कि किस तरह से बंगाल को आगे लेकर के जाना है, हम लोग उसके साथ हैं, लेकिन पार्टिकुलर ओवैसी को बोल सकते हैं ओवैसी को, तो हम लोग उनके साथ नहीं है। अच्छा, किसान आंदोलन का कितना असर पड़ा है बंगाल के चुनाव पे ये भी बताएं। देखिए सबसे पहली बात, आज कई एक महीना 100 दिन शायद पार हो चुका है किसान आंदोलन का, अब बताइए किसान कितना परेशान है। प्रधानमंत्री मैंने देखा, ये राज्यसभा का एक देख रहा हूँ, एक MP चिल्ला रहे हैं, मोदी सामने से जा रहे हैं, अब चाहे प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए कि आखिरकार मसला क्या है, पूरे भारत में पूरा किसान ये है परेशान है। कुछ दिन पहले देख रहे हैं किसान आंदोलन बंगाल में भी कर रहे हैं आकर के, तो ये वाला आपको फ़र्क इलेक्शन के बाद पता चलेगा, 100% फ़र्क होने वाला है, और यहाँ पे सिर्फ सरकार बनेगी TMC का और पूरा बहुमत के साथ, ऐसा नहीं किसी से गठबंधन करने का। ममता बनर्जी का काम इतना अच्छा है, आप अगर किसी से पूछें तो कोई लड़की का शादी होने वाला है उसमें भी वो सपोर्ट करती है, बच्चा का स्कॉलरशिप में उसमें भी वो सपोर्ट करती है, एडुकेशन सिस्टम में भी वो सपोर्ट करती है, सारे काम। अगर अब मिसाल के तौर पे आप अच्छा रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हम और आपसे आगे बढ़ने वाला कोई रिपोर्टर बहुत कम मिलेगा, लेकिन उसी तरीके से ममता बनर्जी का काम इतना अच्छा है, हम लोग के पास दूसरा ओपिनियन है ही नहीं, हम लोग क्यों दूसरा को चुने? जी हम लोग चाहते भी नहीं कि ममता के सिवा कोई और आए, और जिस तरह से इसका काम इतना खूबसूरती से आप देख सकते हैं, खाली वहाँ पे आप अमित शाह आ रहे हैं और भी BJP के बहुत सारे लीडर आ रहे हैं सोनार बंगला, अरे क्यों चाहिए हम लोगों को सोनार बंगला, जो हमारे बंगाल में हम खुश हैं, हमारे बंगाल का ममता बनर्जी ने इतना खूबसूरती के साथ। देखिए सबसे बड़ी बात है, कोई चीज़ को सजाना ही खूबसूरती नहीं होता है, सबसे बड़ी खूबसूरती यहाँ का एकता, हिंदू और मुसलमान में जो एकता रहता है वही सबसे बड़ी खूबसूरती एक स्टेट का और एक कंट्री का होता है, और माशाल्लाह यहाँ बंगाल में तो हिंदू मुसलमान जितने भी सब खूबसूरत अंदाज के साथ रहते हैं, तो हम लोगों को दरकार दूसरी पार्टी की नहीं, इंशाल्लाह ममता बनर्जी का ही हुकूमत यहाँ पर रहेगा और हमेशा से उन्हीं का है।